बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। सुखजिंदर रंधावा नहीं पहुंच रहे हैं राजभवन, इस वक्त की बड़ी खबर। सुखजिंदर रंधावा राजभवन नहीं पहुंच रहे हैं, मोहित ने बहुत बड़ी खबर दी है और उनको बोला गया जब तक आला कमान से अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक आप ना जाएं, जब तक औपचारिक ऐलान नहीं होता रंधावा इंतजार करें, नहीं जा रहे हैं राजभवन। बल्कि मैं ये कहूंगा कि राजभवन जाने वाली गाड़ियों को लिया गया यू टर्न, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बस फैसले में यू टर्न ना आ जाए वरना बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। कुमार कुंदन और अभिषेक उपाध्याय दोनों मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पुष्पेश सर क्विक टेक आपका। देखिए मुझे लगता है आज जितनी भी हलचल हो रही है वो क्षण भंगुर है। जो बात विनोद कह रहे थे वो मुझे लगता है बहुत सारगर्भित है कि यदि रंधावा साहब मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसे वास्तव में जीत नवजोत सिंह की न माना जाए। वो पुराने पारंपरिक कांग्रेसी परिवार के हैं, अनुभवी हैं, अनुभव में वरिष्ठ हैं नवजोत सिंह सिद्धू से, तो कहीं ना कहीं और उनके संयत बयान हैं तो मुझे लगता है कि उनकी वजह से कोई गड़बड़ होगी आने वाले दिनों में, ऐसा मुझे नहीं जान पड़ता है। आप जो बता रहे हैं सर, आप जो बता रहे हैं पुष्पेश सर, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, माफी चाहूंगा। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय जुड़ चुके हैं और अमरिंदर समर्थक जो विधायक हैं उनसे इनकी बातचीत चल रही थी। अभिषेक मैं तो बस इतना ही पूछूंगा भाई, कैप्टन साहब के साथ कितने आदमी और हैं? देखिए एक मैं आपको अपडेट दे दूं निशांत की, ये पंजाब कांग्रेस भवन है, यहाँ पर आप पहले सिक्योरिटी देखिए, ज़बरदस्त यहाँ सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, चारों ओर से इसको बैरिकेड कर दिया गया है। हमारी जानकारी ये है कि जितने भी विधायक हैं और रंधावा साहब, ये सब लोग यहाँ पर आएंगे, जो केंद्रीय आला कमान की ओर से ऑब्जर्वर आए हैं वो यहाँ पर आएंगे और आपके जो सवाल, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब भी यहीं पर मिलेगा कि उनके साथ कितने अभिषेक हैं। अभिषेक मुझे एक बात बताइए, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, ये नाम सामने अभिषेक मैं रोक रहा हूँ आपको, माफी चाहता हूँ, और बड़ा अच्छा किया आपने मुझे अपनी लोकेशन बता दी, कांग्रेस भवन के बाहर है, आपका एक्सपीरियंस साफ दिख रहा है मुझे। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, कैप्टन साहब इस अनाउंसमेंट के दौरान वहां पर होंगे या नहीं होंगे? नहीं, वो बिल्कुल यहां नहीं होंगे, वो अपने फार्म हाउस में ही हैं, उनके यहां पर होने की कोई सूरत नहीं है, उनके यहां होने की कोई कहीं से कोई कवायद भी नहीं है। और मुझे अभी ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या यहां पर उनको आमंत्रित भी किया गया है कि नहीं, ये भी एक मसला होगा सामने और वो भी कुछ देर में क्लियर होगा। लेकिन अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि कैप्टन साहब के साथ कितने रह गए ये तो सवाल है निशांत, जो आपने कहा है, बड़ा सवाल ये है कि रंधावा साहब के साथ वाकई कितने हैं, क्योंकि बहुत दावेदार यहां पर हैं और डिप्टी सीएम के अलग अलग दावेदार हैं, सीएम के दावेदार हैं, और चूंकि कांग्रेस की जो इकाई है पंजाब इकाई, उसमें इतना बिखराव रहा है कि अचानक सबको एकजुट कर लेना ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी वजह से ये बार बार किंतु परंतु हो रहा है, बार बार गाड़ी आगे बढ़ रही है फिर रुक रही है, उस किंतु परंतु को दूर करना आलाकमान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, मैं आपको रोकूंगा यहां पर। मेरे साथ अभी इस वक्त हरियाणा के पूर्व आईजी जुड़े हुए हैं। सर पहले तो बहुत माफी चाहूंगा आपको, मैंने बड़ा इंतजार कराया, लेकिन जो पाकिस्तान को लेकर खबरें आ रही थी, जो सिद्धू की पाकिस्तान से नजदीकियां बता रही थी, हमें लग रहा था कि अनाउंसमेंट नहीं होगा और ये बड़ा महत्वपूर्ण खबर होगी, लेकिन ये जो पंजाब में टर्मोइल है या पंजाब में जो क्योस है, क्या ये आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी के लिहाज से भी एक थ्रेट परसेप्शन बन सकता है, क्या आपको ऐसा लगता है, या सिर्फ एक इंटरनल मैटर है, हम बॉर्डर्स या इंटरनली जो चीजें वो अलर्ट पर है? देखिए ये तो बिल्कुल ही मैं इंटरनल मैटर है, ये आपस में इन दोनों नेताओं की मतलब एक दूसरे के साथ खटास है, जो एक दूसरे के ऊपर भड़ास निकाल रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी फौज अलर्ट है, हमारी इंटेलिजेंस अलर्ट है, हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अलर्ट हैं किसी भी कीमत पे। अनफॉर्चुनेटली सर आपका लिंक टूट गया है, मैं माफी चाहूंगा। ये जो आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मैं सीधे चलूंगा यहां पर, कुमार कुंदन मेरे साथ है। कुमार कुंदन सबसे पहले मुझे बताइए क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, आप राहुल गांधी जी को फॉलो कर रहे थे, बताया गया कि वो अपने घर वापस चले गए, सोनिया गांधी से मिलने गए थे, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए राहुल गांधी के घर पे अंबिका सोनी आई थी और अंबिका सोनी के साथ राहुल गांधी की लगभग 3 घंटे के आसपास बातचीत हुई। उस बातचीत के बाद से राहुल गांधी अचानक से घर से निकले और उसके बाद सोनिया गांधी के घर पे गए
वहाँ तकरीबन 20 मिनट उन्होंने मंथन किया और उसके बाद फिर से अपने घर पे आए हैं और फिर से बैठक चल रही है उनकी अंबिका सोनी के साथ। इस बीच यह भी बताया गया कि राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंजाब के ऑब्जर्वर से बात की और कुछ नेताओं से फ़ोन पर भी बात की जिसमें लाल सिंह का नाम शामिल है। अब बताया जा रहा है कि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसकी जो पटकथा है वो पूरी लिखी जा चुकी है और यहाँ से एक मैसेज जाएगा और उसके बाद जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो होना होगा। लेकिन इतनी देर क्यों हो रही है? 5 बजे तक के आसपास का वक्त हमें बताया गया था ऑफ रिकॉर्ड, अब पहले ही बता दिया गया था दोपहर में कि 5 बजे के आसपास जो है संभव है ऐलान हो। मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी आपने बताया कि 5 बजे तक ऐलान होगा, आपने जो पॉइंट रखा है मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। कुमार कुंदन, मोहित मल्होत्रा मेरे साथ है। मोहित, आप मतलब 5 बजे ऑलमोस्ट डिसाइडेड था दिल्ली से, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो रंधावा साहब पहले क्यों निकल लिए राजभवन? देखिए वही बात समझ में नहीं आ रही है, आपको जल्दी से दिखा देता हूं। हम गाड़ी रोकते हैं यहां पर और जल्दी से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। कैमरामैन को मैं कहूंगा कि हम गाड़ी के अंदर से आपको दिखाते हैं। सामने पंजाब राजभवन है, यहां पर अभी कोई गहमा गहमी नहीं है कि सुखजिंदर रंधावा यहां पर आने वाले हैं, इसको लेकर कोई गहमा गहमी यहां पर नहीं है। अगर हम कल की बात करें जब कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां पर आने वाले थे तो पूरी सिक्योरिटी यहां पर थी, पूरे तामझाम के साथ यहां पर व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहां पर अभी ऐसा नहीं लग रहा। तो आधिकारिक ऐलान में क्यों देरी हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है और इसी वजह से सुखजिंदर सिंह रंधावा को कहा गया है कि वो इंतज़ार करें। एक और मैं अपडेट आपको देना चाहूँगा कि ये कहा जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस भवन में पहले विधायकों को बताया जाएगा, आला कमान ने जो नाम तय किया है उसके बाद सुखजिंदर रंधावा यहाँ पर आ सकते हैं, ये भी अपडेट है। लेकिन अभी तक सुखजिंदर रंधावा ना तो पंजाब राजभवन पहुँचे हैं ना पंजाब भवन जहां पर अक्सर सरकार में बैठे नेता मिलते हैं, चर्चा करते हैं, वहां पे भी नहीं पहुंचे और ना ही अब तक पंजाब कांग्रेस भवन पहुंचे हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि किस बात। अच्छा, आपने जो पॉइंट रखा है मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ मौजूद है अभिषेक उपाध्याय जी। अभिषेक, हम एक फैक्टर इग्नोर कर रहे हैं यहां पर, भले ही वो सिद्धू खेमे में है, भले ही वो है जाखड़ साहब, अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं उनका क्या होगा, उनका आने वाले समय में रिएक्शन क्या होगा, रंधावा साहब पूरी पार्टी को एक साथ कैसे लेकर चल पाएंगे, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इस पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है और अभी तक आपका क्या एनालिसिस रहा है? बिल्कुल निशांत, देखिए यही बात मैं आपसे इसके पहले भी कह रहा था कि पार्टी इतने फैक्शन में अंदर अंदर बढ़ चुकी है कि उसको अचानक एकजुट कर लेना इतना आसान नहीं है। और हम बार बार जोर दे रहे हैं कि ये लड़ाई सीएम की लड़ाई है, मेरी ये जानकारी कहती है कि जितनी लड़ाई सीएम की उतनी लड़ाई डिप्टी सीएम के नाम की भी है। जिन दो डिप्टी सीएम का नाम सामने आ रहा है उसके पहले जो दो नाम फ्लोट कर रहे थे वो दो नाम दूसरे थे, अचानक दो नाम नए आ गए हैं। तो ये लड़ाई एक ही लेवल पर नहीं है, ये लड़ाई कई लेवल पर है। लड़ाई सीएम के लेवल पर है, लड़ाई डिप्टी सीएम के लेवल पर, लड़ाई कैबिनेट के लेवल पर है, लड़ाई खेमे के लेवल पर है। आपने जाखड़ साहब का नाम लिया, रंधावा हो गए, कैप्टन हो गए, अलग अलग खेमे, अलग अलग पद, महत्वाकांक्षाएँ, तो बहुत कुछ ऐसा है जिसको कि आला कमान के लेवल पे कोशिश की जा रही है कि ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। और ये जो पंजाब आप कांग्रेस का भवन देख रहे हैं यहीं पर हमारी जानकारी विधायक यहाँ पर आएंगे तो उनको भी कन्वे करने से पहले चीज़ें कंक्रीट हाथ में होनी चाहिए और लास्ट मिनट चेंजेस की गुंजाइश जो राजनीति में हमेशा रहती है उससे भी इंकार नहीं किया जा सकता है। अगर सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम के लेवल पर, चूंकि दो जो नाम आए हुए हैं उसमें भी कई सारे दावेदार हैं, तो ये अंदरूनी लड़ाई अभी भी जारी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।